सो स्टार्ट विद लुकवॉर्म वाटर, वो चाहे बड़े हों या बच्चे हों, आप सबको लुकवॉर्म वाटर दें अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए. एंड सेकेंड थिंग, मैं क्या करती हूँ, जैसे ही लुकवॉर्म वाटर देती हूँ तो दोनों को मोशंस का प्रेशर आ जाता है हाफ एन आवर के बाद. सो दोनों को मोशन करवाती हूँ, देन ब्रशिंग एंड ऑल स्टार्ट होता है. सो उनका फर्स्ट मील जो होता है वो होता है अराउंड 9 o'clock. सो 9 o'clock मैं अथर्वा को देती हूँ, लाइक ही लव साउथ इंडियन फूड. सो समटाइम इट्स कुड बी डोसा, समटाइम इट्स कुड बी यू नो इडली. सो डिपेंड कि मेरे फ्रिज में क्या अवेलेबिलिटी है या बच्चे का क्या मूड है खाने का. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टाइम कि उस टाइम उनको क्या मूड करता है. सो बेसिकली जो आई मीन वीक में 2 days जो होता है वो नॉर्थ साउथ इंडियन फूड होता है अथर्वा का ब्रेकफास्ट. एंड विवान का ब्रेकफास्ट भी डिपेंड करता है कि मैं उसको अर्ली मॉर्निंग, जो उसका भी 9 o'clock 9:30 का ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, बिकॉज ब्रेकफास्ट से पहले वो एक बार मिल्क लेता है, फॉर्मूला लेता है वो. सो आफ्टर 3 hours मैं उसको फिर उसके बाद 7 o'clock पे वो ड्रिंक करता है अपना मिल्क, उसके बाद उसको देती हूँ मैं 9 o'clock पे उसका ब्रेकफास्ट. सो उसका फर्स्ट ब्रेकफास्ट होता है ओट्स. एंड देन आता है टाइम आफ्टर ब्रेकफास्ट का, जो मिडिल टाइम होता है. लाइक आफ्टर ब्रेकफास्ट हम तुरंत बच्चों को खाना नहीं दे सकते हैं, बिकॉज बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं, वो पूरे टाइम कूदना भागना इधर उधर करते रहते हैं. सो 12:30 के बीच में मैं उनको एक लाइट स्नैक्स देती हूँ. सो विवान को मैं एक पर्टिकुलर कोई भी फ्रूट देती हूँ, लाइक कभी एप्पल दिया, कभी बनाना दिया, कभी यू नो जो भी अवेलेबल हो मेरे फ्रिज में. एंड अथर्व को मैं लाइक वो अभी 4 इज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, फिर वो मार्च से 5 शुरू होगा, तो उसको प्रॉपर एक अच्छा बैलेंस डाइट चाहिए इस टाइम पे. तो मैं उसके लिए एक मिक्स फ्रूट सैलड बनाती हूँ. एंड उसके साथ में ही मैं देती हूँ उसको कोई भी स्प्राउटेड सैलड बना के. तो स्प्राउटेड में या तो कभी मूंग हो गया, या तो कभी चना हो गया, या तो कभी चिकपी हो गया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. सो इट्स डिपेंड ऑन दी अगेन कि आज क्या है मेरे पास, या मैंने कौन सा स्प्राउट करा है. सो जो मैंने क्लिप में दिखाया है वो मैंने मूंग का उसको स्प्राउट दिया. सो इन बिटवीन अराउंड 12:30 or 12 के बीच में उसको मिक्स फ्रूट्स एंड थोड़े से स्प्राउटेड कुछ भी देती हूँ, ग्रेन्स देती हूँ. तो अथर का ये जो है ये मुख्य फ्रूट्स रहता है, और विवान का रहता है एक पर्टिकुलर कोई फ्रूट. सो
जब ये फिनिश करते हैं तो उसके बाद जो लंच टाइम होता है, लंच टाइम में आई मीन ये उनको काफ़ी टाइम तक होल्ड कर लेता है, लाइक दो ढाई घंटे बाद ही फिर मैं उनको लंच देती हूँ। तो लंच यूजली उनका लेट होता है बिकॉज अथर्क सोता नहीं है दोपहर में, तो लंच मैं उसको लेट ही करवाती हूँ, 2 बजे या 1:45, कभी 2 o'clock ऐसे होता है। सो विवान का लंच अराउंड 1 o'clock पे हो जाता है बिकॉज उसने एक ही फ्रूट लिया होता है, वो भी कभी कभी हाफ या फुल डिपेंड ऑन, वो अभी छोटा है तो बहुत ज़्यादा नहीं खा पाता है। सो या सो दिस इज़ दी आफ्टर ब्रेकफास्ट स्नैकिंग। है लंच टाइम। सो लंच टाइम में अथर एंड विवान का कोशिश करती हूँ कि जो मील है वो एक जैसा ही हो, लाइक थोड़ा सा उसमें चेंज रहेगा। अथरवा आप उसको सैलड भी दे दो, वो सारा कुछ खा लेगा, बट विवान अभी ही इज़ जस्ट 12 month रनिंग, सो उसका फूड थोड़ा सा उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ कि पता लगे कौन सी चीज़ में एलर्जी है हो जाए उसको। तो मैं अभी वही चीज़ देती हूँ जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं हर 10-15 डेज में उसको नई चीज़ इंट्रोड्यूस करती हूँ, पहले देखती हूँ कि कहीं वो किसी चीज़ से एलर्जिक तो नहीं है। सो सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करने की कोशिश नहीं करती हूँ। सो लंच टाइम में बेसिकली हमारा बनता है दाल, रोटी, राइस और कोई भी एक या दो वेजिटेबल सूखी, और या सो ये अथर्वा का लंच है और हम सब का लंच है। एंड विवान के लिए अगेन डिपेंड ऑन द कि उस दिन क्या लंच बना है। तो नॉर्मली विवान का लंच भी दाल राइस के साथ मैंने ब्लांच कैरेट ऐड कर दी, और लंच के थोड़े से मैश पोटैटो उसमें ऐड कर दिए विवान के लंच में। एंड अथर्वा के लंच में सेम मैंने प्रॉपर रखा दाल चावल सब्ज़ी रोटी, तो वो रोटी एक ही खाता है और जो राइस है कभी नहीं खाता कभी खाता है, तो अगर राइस दिए तो फिर रोटी नहीं खाएगा और रोटी दिया तो फिर राइस नहीं खाएगा, तो मैं एक ही चीज़ रखती हूँ या तो राइस या तो रोटी। सो कभी कभी राइस बना दूँगी कभी रोटी बना दूँगी। तो ये उसका मील टाइम है, दोपहर का टाइम है अराउंड 12 o'clock। सो सुबह दोपहर का ये टाइम है। एंड मैं उसको मिल्क कभी ज़्यादा नहीं देती हूँ, उसको सिर्फ एक बार मिल्क देती हूँ, बिकॉज अब आप सोचेंगे कि मिल्क तो मैंने दिया ही नहीं, बच्चे को मिल्क बहुत ज़रूरी है। यस, मिल्क बहुत ज़रूरी है, बट विवान को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, एंड हम एक दो साल से एक्चुअली बहुत बुरी तरह हमने सफ़र किया था उसकी कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका मिल्क कट डाउन करो, उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं बोला कि एक दो दिन में एक बार दो, बट नहीं, मैं एक बार तो देती हूँ, कभी कभी दो बार भी दे देती हूँ उसका मूड अगर हुआ, बट नाइट टाइम एक बिग कप उसको देती हूँ मैं। सो अभी हम अपने रूटीन पे चलते हैं, मिल्क की बाद में बात करेंगे। सो या दिस इज़ दी लंच, सो यू विल सी इन द क्लिप कि लंच में प्रॉपर कम हियर सिट हियर कम सिट हियर You tell me. Wait. Bunny. Yeah.
and it's snack time, evening snack time. So evening snack time के time पे अथर्वा actually बहुत cranky हो जाता है कि उसको बहुत कुछ अच्छा सा चाहिए खाने के लिए. तो कोशिश करती हूँ कि उसके मूड के हिसाब से खाना दूँ. कभी कभी उसको सिर्फ लाइक कुछ टिक्किया या चिक्पी अगर मैंने स्प्राउट के लिए रखा है तो मैं उसको थोड़ा सा ब्लांच कर दूँगी और मैश करके चिक्पी की टिक्किया बना दूँगी या कभी आलू की टिक्किया बना दूँगी बहुत थोड़े से घी में और बहुत कम मसालों के साथ. और आलू की टिक्किया के साथ ही मैं थोड़ा सा ब्रोकली ऐड कर दूँगी या यू नो जो भी वेजिटेबल्स होंगी उसको ग्रेट करके ऐड कर दूँगी कि टेस्ट भी रहे और उसको पता भी नहीं चले कि बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं उनमें. तो और कभी कभी उसको मिल्क और चॉकलेट उसमें जो उसके फेवरेट सीरियल है वो दे देती हूँ, मिल्क एंड सीरियल. तो आज मैंने उसको मिल्क एंड सीरियल दिया, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था. उसका रीसेंट यू नो फेवरेट वो है कि बोल लेके वो खड़ा हो जाता है एंड सीरियल. सो उसका वो कुछ टाइम के लिए चलता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, बट कुछ टाइम उसको बहुत पसंद आ रहा है सीरियल. तो मिड इवनिंग जो स्नैक है अराउंड 4:30 to 5 और कभी कभी 6 भी हो जाता है, तो 5:30 तक मैं कोशिश करती हूँ कि उसको स्नैक दे दूँ. सो आज के उसमें मैंने 5:30 पर उसने उसको स्नैक दिया है अथर्वा को, सीरियल विद मिल्क और कुछ उसके चॉकलेट्स की का जो सीरियल था उसमें उसको ऐड करके और थोड़े से उसमें नट्स भी ऐड करे मैंने. सो बहुत अच्छे से खाता है. एंड विवान का जो स्नैक टाइम है वो भी सेम, आई मीन 5:30 to 5. सो अगर मैंने कुछ सॉलिड टाइप से कुछ टिक्किया या कुछ ऐसी चीज़ें बनाई तो विवान का भी मैं वही रखती हूँ. कोशिश करती हूँ कि विवान थोड़ा सा भी खा ले, तो वो बहुत थोड़ा सा भी ये चीज़ें खा रहा है. तो विवान को मीठा काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मीठे में मैं शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करती, वाइट शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करती. इवन अथर्वा को भी मैं वाइट शुगर बहुत कम देती हूँ. सो अभी इवन 1 ईयर तक मैं विवान को सिर्फ जैगरी पाउडर ही दे रही हूँ. और जैगरी पाउडर इवन वो स्वीट तो है ही, बट चीनी से प्रोसेस शुगर से काफ़ी यू नो काफ़ी कम हार्मफुल है. सो अभी मैंने सिर्फ उसको जैगरी ही ऐड करा है. तो इवनिंग टाइम में मैं उसको हलवा देती हूँ. हलवा लाइक कभी उसको रवा हलवा दे दिया, कभी उसको यू नो रागी का हलवा दे दिया, कभी उसको आटे का हलवा दे दिया, मल्टीग्रेन आटे का हलवा दे दिया. तो इट्स डिपेंड ऑन दी यू नो कि आज उसको क्या देना है. तो हर दिन एक सेम उसका फूड नहीं रहता, अथर्वा का भी सेम फूड नहीं रहता, हर दिन अलग अलग वेरिएशंस होते हैं. सो दिस इज द स्नैक्स मिड इवनिंग का जो विमान सोकर होता है, अथर्वा सोता ही नहीं है दोपहर में. सो ये उसका स्नैक होता है 5:30, दोनों का स्नैक टाइम होता है इस टाइम. ऊपर का ऊपर का पाए तो लो एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर. सो डिनर अराउंड अथर्वा का डिनर अराउंड हो जाता है 7 o'clock. एंड विमान का थोड़ा सा लेट करती हूँ बिकॉज अथर्वा जल्दी सो जाता है, अराउंड 7:30 वो सो जाता है. सो 7 o'clock पे अथर्वा का डिनर फिनिश कर देती हूँ. सो डिनर बेसिकली वही सब्जी रोटी, कभी कभी हम भी बोर हो जाते हैं तो कभी कभी पराठे बना दिए, पराठे में कोई भी स्टफिंग यूज़ कर ली, लाइक कभी पनीर की स्टफिंग कर ली या कभी आलू की स्टफिंग हो गई या कभी यू नो अगर मेरे पास स्प्राउट्स कुछ बचे हुए हैं तो उनको थोड़ा ब्लांच करके और मैश करके उसमें नमक एंड थोड़े से मसाले मिला के वो स्टफिंग कर दी. जो कभी काठी रोल बना दिया मल्टीग्रेन आटे से, रोटी बना के रोल्स बना दिया, तो वो भी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है. एंड यू नो बच्चे बोर भी नहीं होते कि सेम चीज़ डिनर पे या लंच पे. तो आई कीप यू नो चेंजिंग एंड मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के खाने में, कि हेल्दी प्लस उनको
अट्रैक्टिव लगे फूड की, या कुछ नया बना है, कुछ कुछ अच्छा सा दिख रहा है. सो आई मेक श्योर कि उनको हेल्थी फूड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े. तो मैं दिन भर कुछ ना कुछ वो जो भी खाते हैं उनमें हेल्थ की चीज़ें, हेल्दी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करती रहती हूँ. तो डिनर बेसिकली अथर का ये होता है. सो और जैसे अभी ठंडे का मौसम चल रहा है तो गाजर का हलवा तो हर इन के यहाँ बनता ही है. तो हमारे यहाँ भी मतलब महीने में 2-3 बार गाजर का हलवा बन जाता है. तो अभी मैंने बनाया था गाजर का हलवा, तो उसमें मैंने चीनी काफ़ी कम डाली हुई थी. एंड तो अथर्वा को तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है अथर्वा को गाजर का हलवा, तो थोड़ा सा मैंने उसको डिनर में गाजर का हलवा भी ऐड किया. और रोज़ ये नहीं होता है, रोज़ डिपेंड करता है कि क्या बना हुआ है. तो 7 o'clock पे अराउंड अथर्वा डिनर हो जाता है, और डिनर में यही सब पराठा या कुछ कभी कभी डोसा हो गया. सो ये चेंज होता रहता है, आई मीन पसंद होता है कि कभी मॉर्निंग में हमने पराठा दे दिया, तो कभी नाइट में हमने डोसा दे दिया. तो इट्स कीप चेंजिंग कि मेरा मूड क्या है आज बनाने का, या मेरे फ्रिज में क्या अवेलेबिलिटी है, या मेरे फ्रिज में क्या क्या सब्जियाँ हैं. तो उसी की तरह मैं अपना जो चार्ट है, फूड चार्ट है डे का पूरा बनाती हूँ, उसी के हिसाब से दोनों को देती हूँ. विवान का अराउंड 8 या 8:30 पे मैं फिर उसको डिनर देती हूँ. और विवान का नॉर्मली खिचड़ी रहती है, खिचड़ी में मैं दाल चेंज करती रहती हूँ और उसमें सब्जियाँ भी चेंज करती रहती हूँ, ऐड करती रहती हूँ. कभी गाजर डाला, कभी मैश पोटैटो डाला, कभी ब्रोकली डाला, कभी जुकीनी डाला. सो ऐसे ऐसे करके कोशिश करती हूँ कि विवान जो है खिचड़ी ही खाए, बिकॉज बच्चों का जो गट होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता है, स्पेशली न्यू बॉर्न और जो टॉडलर होते हैं. तो रात में बिकॉज एक्टिविटी नहीं रहती, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती. अभी विवान भी चलने की कोशिश कर रहा है, क्रॉल करने की कोशिश कर, क्रॉल तो टाइम गया उसका, चलने की कोशिश कर रहा है. सो इतनी एनर्जी लॉस नहीं होती, फिर बच्चों को एसिडिक प्रॉब्लम होने लगती है. सो मैं उसको खिचड़ी देने की कोशिश करती हूँ. एंड खिचड़ी के बाद फिर वो अराउंड 9 o'clock पे या 10 o'clock पे वो सो जाता है, बिकॉज वो एक नैप दोपहर में लेता है अराउंड 2 to 5, एंड एक नैप वो मॉर्निंग में लेता है अराउंड 10 to 11:30 or 12, डिपेंड ऑन कि अथर ने उसको कब तक सोने दिया. सो ये उसके नैप टाइम है और सोने का टाइम है. सो उसी की गेमिंग ओके ओके, जस्ट गिव इट टाइम, जस्ट रिकॉर्डिंग प्लीज मम्मी. Arthur, have it. Come here, mom. Please, mommy. Hi. Idhar aa jai na. Give me. एंड आफ्टर दैट अथर्वा के फूड के बाद उसको मिल्क देती हूँ. और मिल्क में मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल मिल्क नहीं दूँ. अभी ठंड का मौसम है, हम सभी बीमार पड़ते रहते हैं, तो मैं उसको देती हूँ टर्मरिक और सिनेमन ऐड करके मिल्क, और उसमें थोड़ा सा जैगरी ऐड करती हूँ और थोड़ा सा इलायची, बहुत थोड़ा सा इलायची, ताकि उसको तो हल्दी का टेस्ट नहीं हुआ, स्मेल नहीं आए. सो उसको मैं बॉइल करती हूँ और एक पूरा भर के कप वो पी जाता है. वो पीता नहीं है बट मैं उसको पिला देती हूँ, वो जब मैं बैठती हूँ वो पी जाता है. सो दिस इज द होल डे रूटीन, मेरे बच्चों को पूरे दिन के खाने का टाइम. और कभी कभी यू नो ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ ये रूटीन, कभी कभी चेंज भी हो जाता है, बिकॉज कभी अथर्व का मूड होता है सो जाता है, कभी क्रैंक हो जाता है तो सुला देती हूँ, तो कभी सो यू नो
डिपेंड ऑन द बच्चों के मूड और हमारे मूड पर डिपेंड करता है कि हम यू नो क्या बनाना चाहते हैं. सो या दिस इज द यू नो स्टैंडर्ड पैटर्न जो मैं हर रोज़ फॉलो करने की कोशिश करती हूँ. कभी कभी मिस हो जाता बट ये जो चीज़ें हैं मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और यही चीज़ें देती हूँ. और वीक में 5 days एटलीस्ट 5 days उनका जो खाना है वो होम कुक्ड और फ्रेशली यू नो जो वेजिटेबल्स हों और उसमें ग्रेन्स हों जो अलग अलग तरह के विटामिन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ऐड करने की कोशिश करती हूँ दोनों के फूड में. बिकॉज अगर आज हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर बड़े में उनको बहुत सारी चीज़ें फिजिकल रिलेटेड इशू आते रहते हैं. सो या और आज के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी हो गया बच्चों को हेल्दी फूड देना. तो कोशिश करें आप भी बच्चों को हेल्दी फूड दें, होममेड कुक्ड फूड दें और ऐड करते रहें नए नए वेरिएशन और बच्चों के खाने में यू नो वेजिटेबल्स ऐड करते रहें छोटे छोटे चॉप करके ताकि उनको पता ना चले. और ये बात मैं बहुत बार सुनती कि हमारा बच्चा खाता नहीं है. बच्चे सब एक जैसे होते हैं जब होते हैं, वो जब बॉर्न होते हैं तो सब एक जैसे होते हैं. इट्स डिपेंड कि आपने कितना एफर्ट डाला है बच्चों के खाने में. आप उसको हर एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाइए हर आफ्टर 6 months एवरीथिंग. इवन दो अथर्वा करेला भी खाता है, जब करेला बनाती हूँ तो वो भी खा लेता है वो. सो इट्स नॉट दैट कि उसको पसंद है या ऐसा, बट उसको हैबिट डाली गई. आफ्टर 6 months मैं उसको हर चीज़ देती थी. वो एक बार तो बोलता था नहीं खाना, दोबारा मैं जब भी बनाती फिर उसको खिलाती, तीसरी बार जब भी बनाती मैं फिर उसको खिलाती. तो उसको एक बार नहीं खाना तो आप छोड़ मत दें उसको. उसको दोबारा फिर से कोशिश करें, तीसरी बार फिर कोशिश करें, चौथी बार फिर कोशिश करें. आप कोशिश करते रहें वो खाएगा. सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे वीडियो. होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड लाइक करें एंड शेयर करें. एंड अगर आपने भी थोड़ा सा कोशिश करी है या आपको अच्छा लगा हो और आपने सेम रेसिपीज या कुछ भी ट्राई करा हो जो मैंने दिखाया है, सो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं. एंड आई लव टू यू नो सी द कमेंट एंड मैं उसमें आंसर करने की जरूर कोशिश करूँगी. सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन टेक केयर एंड बच्चों का ध्यान रखें अपना और अपना भी ध्यान रखें और हेल्दी रहें. Thank you.